Science Chapter 4. So the name of the chapter is Sorting Material into Group. So here we go and let's start the chapter. So the topics to be covered in this chapter is given below. So the first topic is objects around us. The second topic is material and their types. The third topic is properties of material. So what are the properties? Appearance, hardness, solubility, flotations, and the last topic is transparency. So let's start the first topic, that is objects around us. So object around us. Object around us are all kind of object, and that identify them is important. जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वी आर लाइक सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस अराउंड यू और इफ़ यू इमिडिएटली लुकिंग अराउंड यू. अगर हम चारों तरफ अपने देखने लगे, सपोज इफ़ यू विल एबल टू सी दैट देयर इज एटलीस्ट अ ह्यूज लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ठीक है, सो इफ यू विल गो टू अ ड्रॉइंग रूम यू विल एबल टू सी टेलीविजन, सोफा सेट, बुक्स, चेयर, टेबल एंड एक्सेट्रा. ठीक है, एंड इफ यू विल गो टू योर किचन यू विल एबल टू सी यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर एंड मैनी मोर थिंग. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्चुअली देयर आर ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस. ठीक है, सो डोर्स, फैंस, चेयर, telephone, sofa, bell, utensils, table, chair, key, watch, etc. are all the examples of the few objects which we see around us or in the diagram you can see. Okay, so all these differ from one another by some property. ये सब जो है एक दूसरे से differ है किसी properties से. ठीक है, मतलब कि मटेरियल जो होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट बनते हैं किसी मटेरियल से. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं बनने में. ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, उसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की तरह हम लोग बना सकते हैं. सम आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर, साइज एंड मटेरियल्स. कुछ जो होते हैं डिफरेंट शेप्स उनका अलग होता है, किन्हीं का साइज अलग होता है, किन्हीं का कलर अलग होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्ट रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट. हाँ, वॉट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट्स रिफर टू समथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका मतलब कि ऐसा चीज़ जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग फेल्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो हम लोग महसूस कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो माई क्वेश्चन इज हैव यू एवर थॉट व्हाट आर दिस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ. कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? So, if you see, they find out the compositions of each object, you will see that every object is made up of some other materials. ठीक है, I mean to say that not only one material, many material, or we can say that the group of material is required to form one object. ठीक है, इसका मतलब है, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हम जो भी आसपास अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं सराउंडिंग में, ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है, जो ऑब्जेक्ट जिससे बनता है, जो ऑब्जेक्ट मेड होता है, वो सिर्फ एक मटेरियल से नहीं होता है. बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ मटेरियल मिलके वो ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मटेरियल रिफर टू द ऑब्जेक्ट टू विच अ थिंग इज मेड. मटेरियल क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मैटर रिक्वायर होता है उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग को बनाने के लिए. ठीक है, सो चलो एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स आर द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक्स एंड पेपर. ठीक है, सो द हेयर द यूटेंसिल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल. ठीक है, यूटेंसिल्स बहुत तरह के होते हैं. अगर हम यूटेंसिल्स में ग्लास की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो वो जो होता है शीशा की ग्लास भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, पेपर का भी होता है, तो वो सब क्या है? मटेरियल है. ठीक है, एनी मटेरियल कैन फॉर्म कैन ऑल्सो फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई भी मटेरियल जो होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट को फॉर्म करता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बना सकता है. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी दैट अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल.
ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने में लगता है उसको बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, मटेरियल क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल से मैंने बताया था यूटेंसिल्स का, वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे टॉयज से खेलते हैं तो वो बहुत बहुत तरह के प्लास्टिक के टॉयज भी होते हैं, पेपर्स के भी होते हैं, तो बहुत तरह के होते हैं। तो वो जो बहुत तरह होता है दैट इज मटेरियल, और जो ऑब्जेक्ट जिससे बनता है दैट इज जो जिससे बनता है वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड मटेरियल। ठीक है, सो नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल क्या होता है ना, अ मटेरियल ऑकर इन नेचर इट्स कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल। मतलब कि जो भी मटेरियल या जो भी हम लोग को नेचर से मिलता है, और इन हिंदी और इन समथिंग इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट प्राकृतिक देन। ठीक है, सो नेचुरल मीन्स एनी थिंग दैट इज नेचुरल और दैट एग्जिस्ट इन नेचर, सो वी डोंट क्रिएट इट, इट्स कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल। सो और इन इन द क्लास एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर 3, नेचुरल फाइबर है ना, एंड सिंथेटिक फाइबर, यू कैन रिकॉल इट, और आप वीडियोज में पहले जाके देख भी सकते हैं कि मैंने बताया था नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में, कि ये क्या होते हैं ना, नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, जो हम लोग उसको बनाते नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, हम लोग को नेचुरली मिलता है। ठीक है, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, सो द एग्जांपल इज कॉटन, जूट, ऊल, सैंड, मर्ड एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल। सो कॉटन क्या होता है, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम लोग जानते हैं कॉटन प्लांट्स से आता है, जो कि फ्रूट्स ऑफ कॉटन बॉल के अंदर कॉटन रहता है, बहुत स्नो टाइप का दिखता है वो, स्नो टाइप का स्ट्रक्चर आप ऊपर में यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट रहता है। ठीक है, जूट क्या है, जूट भी एक नेचुरल फाइबर है, जो कि हम लोग कहाँ से मिलता है, ऑप्टन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द जूट प्लांट। ठीक है, बेसिकली जूट से क्या बनता है, जैसे कि जूट बैग्स बनते हैं, गनी बैग्स एंड वगैरह बहुत कुछ बनता है। ठीक है, उलन, उलन उल कहाँ से मिलता है, कम्स फ्रॉम शिप्स। ठीक है, सैंड, मिट्टी, मर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल्स, तो ये सब किससे में आता है, आता है ये लोग नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस मटेरियल। सो द नेक्स्ट इज मैन मेड। ठीक है, अब मैन मेड क्या होता है, अ मैन मेड आर द मटेरियल विच आर मेड बाई मैन। मैन मेड मटेरियल क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, बाई कॉम्बाइनिंग टू और मोर मटेरियल, दो या उससे ज़्यादा मटेरियल को मिला के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड। और हम लोग जानते हैं कि मैन मेड क्या होता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता, दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, सो वी मेक देम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैन मेड। और वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। ठीक है, सो वॉट आर द एग्जाम्पल्स, ग्लास, प्लास्टिक, नाइलोन। एज इन द डायग्राम यू कैन सी दैट हेयर इज अ ग्लास एंड देयर इज अ प्लास्टिक, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन मेड मटेरियल। ठीक है, सो थैंक यू, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।